वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। सो ये मम्मी सीताफल लेके आई थी, तो मैं इसको देख रही थी कट करके, मुझे ख़राब लग रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा वेट करती हूँ, मम्मी आएंगी आज, परिशौर्य के चाचा जी आज उनकी छुट्टी है ना, तो मम्मी आज मतलब दिन में घर में आ जाएंगी, तो मैंने कहा कि उनसे पूछ के ही मैं सीताफल को बनाऊंगी। और मम्मी ये लेके आई थी मिर्चियाँ, तो आज मैं इन मिर्चियों को भी बनाने वाली हूँ। तो इन मिर्चियों में धो के मैं चीरा लगा रही थी प्याज, प्याज को कट करते करते मेरी आंखों में आ गए आंसू। जब भी मैं प्याज कट करती हूँ ना, मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ जाते हैं। ये तीखी प्याज है शायद, लेकिन है ना, जब भी मैं प्याज कटती हूँ मेरी आंखों में आंसू आते हैं। पता नहीं, लोग बोलते हैं कि जिसकी आंखों में आंसू आते हैं उसकी सास बहुत ज़्यादा प्यार करती है। पता नहीं ऐसा सच होता है या नहीं, पर मुझे तो नहीं लगता ऐसा होता है। तो बस यहाँ पे आज हम बनाने जा रहे हैं हरी मिर्ची और सीताफल। ना मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ख़राब है, लेकिन मैं कन्फ्यूज़ हूँ। तो अभी मम्मी थोड़ी देर में आएंगी तो वो बताएंगी, अगर सही होगा तो मैं उसको बना दूंगी, नहीं तो उसको फिर फेंक देंगे, क्योंकि मुझे ख़राब ही लग रहा है वो। तो चलिए करते हैं मिर्ची बनाने की तैयारी, और मुझे बहुत अच्छी लगती है मिर्ची, और आज हम बनाएंगे गुजिया भी। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। सो गाइज, मिर्ची छौंकने की मैंने तैयारी कर ली थी, लेकिन मुझे ध्यान आया कि आज मुझे घी भी निकालना है, क्योंकि मलाई ना बहुत सारी इकट्ठी हो गई है, और इसमें ना कटोरे में बिल्कुल भी जगह नहीं थी कि मैं इसमें और मलाई रख सकूं। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसको मतलब घी भी निकाल देती हूँ। तो मैंने इसको फटाफट से भगोने में पलटा, और यहाँ पर मैं निकालने लग गई हूँ मक्खन। तो इसको निकालते निकालते ना मेरे हाथ दर्द कर गए थे। पहले क्या था कि मम्मी ना मतलब मम्मी घर पर आ जाती थी तो वो निकाल देती थी, पापा थे तब। अब मम्मी को टाइम नहीं मिलता है और वो रात में आती हैं, तो फिर है ना मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं सारे काम खुद ही कर लूँ। तो यहाँ पे मैं निकाल रही थी, और मेरे को ना हाथ में, मैंने आप लोगों को बताया था सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से ना मेरे हाथ में ना दर्द हो जाता है जब मैं जैसे ज़्यादा भारी वाला काम कर लूँ। तो यहाँ पे बस मेरी मलाई निकल गई है। आप लोगों को मतलब यहाँ वीडियो में दिख रहा होगा कि इतनी जल्दी निकल गई, लेकिन निकलने में थोड़ा सा टाइम लगा था, और मक्खन बहुत अच्छा निकला था, बहुत अच्छा। मतलब मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि अगर कोई काम हम करते हैं ना और वो अच्छे से हो जाता है ना, तो बड़ी खुशी सी होती है। तो ये देखिए कितना सारा मक्खन निकला है। तो इसको मैं डाल लूँगी साफ़ से पानी में। तो ये मैंने कटोरे में रख लिया पानी, और देखो कितना बड़ा लड्डू बन गया है ये, काफ़ी सारा मक्खन निकल गया था। और कम से कम एक बार में ना आधा किलो घी तो निकल ही जाएगा। तो ये सारा मक्खन मैं निकाल लूँगी। सो फ्रेंड्स, मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, मैं उससे बातें करने लगी थी। तो यहाँ पे मैंने घी रख दिया है गर्म होने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम था जो कि मैंने ख़त्म कर दिया। और है ना मक्खन को मतलब इस तरीके से करते करते ना मेरे हाथ है ना बड़ी तेज़ दर्द कर रहे हैं, लेकिन हमारा घी भी निकल गया है, और अब घी बन जाएगा ना, उसके बाद फिर मैं छौंकूंगी मिर्चें। मिर्चों का भी मैंने सारा सामान तैयार करके रख दिया है, तब तक मैं लगा लेती हूँ फटाफट से झाड़ू। सो ब्लॉग में बनी रहिए मिर्ची की रेसिपी जानने के लिए। तो ये देखो निकल गया है हमारा घी, कम से कम ये आधा किलो घी होगा, ये देखो। तो धीरे धीरे मैं इसको पकने दे रही हूँ, ये देखो। तो घी निकलने का भी काम हो गया है, और आज है ना संडे, आज पूरा दिन ना काम में ही निकल जाएगा। अभी मुझे मशीन में कपड़े लगा के भी आने हैं। थोड़ा सा गंदा तो मैं कर देती हूँ इस फ्रिज को साफ, थोड़ा सा गीला कपड़ा करके ना इसको साफ कर देती हूँ। सो यहाँ पे मैंने गीला कपड़ा करके फ्रिज को भी साफ़ कर दिया। फ्रिज है ना बाहर की साइड रखा हुआ है ना, तो गंदा हो जाता है जल्दी, तो इसको ना हर दूसरे तीसरे दिन ना अच्छे से ना गीले कपड़े से मैं साफ़ कर देती हूँ। और बस यहाँ पे फ्रिज साफ़ करने के बाद मैं करूँगी अपने और ढेर सारे काम। काम आज बहुत सारे हैं, और आज मेरा पूरा दिन ना काम करने में ही निकलने वाला है। तो ये देखो बन गया है हमारा घी, अब इसको हम होने देंगे ठंडा, और गैस को कर देते हैं बंद। कम से कम ये आधा किलो घी है, और अब छोंकते हैं मिर्चियाँ। सो फ्रेंड्स, मिर्ची छोंकने से पहले ना बर्तन काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि मैंने मतलब घी निकाला था ना, तो घी के बर्तन भी हो गए थे, और फिर बच्चों ने दूध वूध पिया, चाय बनाई, तो उसके काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे। तो किचन ना बहुत भरी भरी सी लग रही थी, तो मैंने कहा कि चलो पहले अच्छे से ना मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद। तो यहाँ पर हमारा तब तक घी भी ठंडा हो गया था, तो मैंने उसको घी को डब्बे में कर दिया है, और बस अब इसमें से ना खाने पीने के लिए निकलता रहेगा, और इसी में से हम लोग पूजा पाठ के लिए भी निकाल लेते हैं। तो ये समझ लीजिए मलाई बच्चे खाते हैं नहीं, तो मलाई को ना दूध में रखने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, और वो निकाल के फेंक देते हैं बच्चे। तो इसलिए है ना हम लोग है ना फ्रिज में दूध रख देते हैं, उसकी मलाई निकाल लेते हैं। तो ये सोच लीजिए हमें घी बाहर से नहीं खरीदना पड़ता है।
और यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि दीदी इतनी देर से मिर्चें छोक रही है, मिर्चें नहीं छोकी। पता है क्या है, मैं ना मतलब अपने स्लिप पे चढ़ी, मतलब जो हमारी किचन की स्लिप है, तो मैंने देखा तो वहाँ पे इतना गंदा हो रहा था, इतना गंदा हो रहा था। तो मैंने कहा मिर्ची वगैरह तो मैं बाद में छोकूंगी, पहले करती हूँ मैं किचन की सफाई। तो आज ही मैंने ना किचन की सफाई कर दी और ये सारे डब्बे मैंने फटाफट से उतारे। और जो किचन पे स्लिप पे हमारे जो मैट बिछी हुई थी ना, उस मैट को भी निकाल के मैंने फेंक दिया, क्योंकि किचन में खाना वगैरह बनता है ना, तो वहाँ पे ना जो हमारा तेल ऑयल वगैरह उड़ता है ना, तो वो सारा ना डब्बों पे जम जाता है और सारा ना उस मैट पे, मतलब जो हमने पन्नी बिछा रखी थी उस पन्नी पे छपा हुआ था। इतना गंदा लग रहा था, मेरे हाथ सारे चिपचिपा से गए। तो मैंने कहा आज तो मैं सबसे पहले किचन की सफाई करूँगी। तो फटाफट से मैंने एक भगोने में किया पानी गर्म, और पानी गर्म करने के बाद मैंने इसमें मिलाया सर्फ, और सर्फ मिलाने के बाद मैंने फटाफट से जो खाली डब्बे थे उनको सबको मैंने अंदर से धो दिया, और बाकी सब डब्बों को मैंने ऊपर से धो दिया। तो बस यहाँ पे हमारी किचन की भी सफाई हो गई। वैसे ना मैं कभी भी ना होली पे सफाई नहीं करती। बहुत सारे लोग हैं ना होली पे भी ना अपने घर की डीप क्लीनिंग करते हैं, मैं कभी नहीं करती हूँ। मैं सच बताऊँ तो मैं नहीं करती हूँ, काफ़ी लोग करते हैं होली पे सफाई, क्योंकि होली पे ना गंदा होता है, तो इसलिए मैं ना होली पे कभी भी सफाई नहीं करती। मैं करती हूँ हमेशा दिवाली पे, नवरात्रों में। तो मैंने सोचा था कि नवरात्रे आएंगे ना, तो नवरात्रों में मैं किचन की सफाई करूँगी, बट मैंने कहा कि यार इतना गंदा हो रहा है, तो आज मेरी होली पे हो गई है किचन की सफाई। तो ये सारे डब्बे वगैरह मैंने धो दिए हैं और अच्छे से मैंने इनको टॉवल से पोंछ के रख दिया था, और इसमें मैं अपना सामान भर के रख दूँगी। तो किचन भी हमारा क्लीन हो गया, और साथ में मम्मी भी आ गई है। आपको लोगों को मम्मी थोड़ा सा दिख गई होंगी, और मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखो, पता है यहाँ पे ना मैं ना इस डब्बे में से ना धनिया ना दूसरे डब्बे में कर रही हूँ, इस डब्बे को ना चूहे ने पूरा काट दिया। ये देखो हमारे घर पे अभी इतने सारे चूहे थे कि चूहों ने ना इस डब्बे को ही काट दिया पूरा। सो गाइस, फाइनली मैं छोकने लगी थी मिर्ची, और आज है ना मुझे काम करते करते बहुत लेट हो गया था, बज गए थे कम से कम 1-1.5 बज गया था। और ये मैंने डाल दिया इसमें राई और जीरा, और ये डाल दिया है मैंने कटी हुई प्याज। तो इस तरीके से मिर्ची आप लोग ज़रूर बनाना, बहुत टेस्टी लगती हैं। सो फ्रेंड्स, सुबह मिर्चियाँ मैं छोंक रही थी, लेकिन मिर्ची छोंकते छोंकते मुझे बज गए हैं 1-1.5 बज गया। पता है मैं किचन मतलब ऊपर डब्बे उतारने के लिए चढ़ी, तो डब्बे इतने गंदे हो रहे थे, तो मैंने कहा लाओ आज किचन की सफाई कर देती हूँ। तो जो सारे ऊपर स्टील के डब्बे रखे हुए थे ना, मैंने उनको सबको धो दिया है। और वैसे आज संडे है, कोई नहीं, करते कर लेंगे धीरे धीरे काम। और अब मैं छोंक रही हूँ मिर्ची, और अभी मुझे बनाने हैं दाल चावल, तो कर रहे हैं, कोई नहीं, करते रहेंगे। तो अभी अभी यहाँ पे बिछाने के लिए पॉलोथीन नहीं थी, और अभी मार्केट वगैरह में मिलेगी भी नहीं, जब बाजार लगेगा तो बाजार से लेके आएंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर ही बिछा दी थी। जो यहाँ पे पॉलोथीन बिछी थी ना, वो इतनी गंदी हो रखी थी, इतनी गंदी, अब साफ हो गए सारे डब्बे। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया, और ये डालती है मिर्ची। तो बस अब हम इसको पकने देंगे। दब गया? तो इसमें नमक डाल दिया है मैंने, और बस अब मैं इसको ढक दूंगी, गैस को कर देंगे हम कम। गाइज ये देखिए, मैं मिर्ची छौंक के चली गई थी ऊपर मशीन में कपड़े लगाने के लिए, तो ये देखिए हमारी मिर्ची बन चुकी है। और इसमें मैं निचोड़ दूंगी 1 नींबू, और अगर आपके घर अमचूर हो तो आप अमचूर भी डाल सकते हैं, नींबू है तो आपके पास नींबू डाल दीजिए। इसमें नींबू के बीज चले गए तो इन्हें मैंने निकाल दिया है, मैंने इसमें 1.5 नींबू डाल दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने निकाल दी है मसूर की दाल, अरहर की दाल हमारे यहाँ ख़त्म हो रखी है, तो मैं आज बनाने वाली हूँ मसूर की दाल। 1 कटोरी दाल हमारे घर में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो बस इसको मैं भिगो दूंगी थोड़ी देर के लिए।
सो गाइज ये सीताफल मैंने मम्मी को दिखाया था, सीताफल ठीक है ये, तो इसको मैंने कट करके रख दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने अपनी दाल भी चढ़ा दी। दोपहर का टाइम हो रहा है, पता है इतना 2 बज गए थे शायद, आज मैं बहुत लेट हो गई काम करने में। इसमें मैंने हल्दी मिर्ची नमक के दाल को चढ़ा दिया है, साथ ही साथ मैंने दाल छोंकने की भी तैयारी कर ली थी। फटाफट से प्याज काटा, टमाटर काटा, हरी मिर्च काटी और ये मैंने दाल छोंक दी है। ये सोच लीजिए कि आज का जो पूरा दिन था मेरा काम में ही जाने वाला था, और इस बीच जो भी बहुत सारे काम थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करे। दाल मैंने छोंक दी है, तो मसूर की दाल भी बड़ी टेस्टी बनी थी आज। सच में कहते हैं ना, जल्दबाजी में अगर कोई भी काम करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि वो अच्छा होता है। सो फ्रेंड्स, नहा के मैं आ गई हूँ, आके दाल छोंक दी है और आज बहुत लेट हो गई हूँ किचन साफ करते करते। बस फटाफट से चावल छोंक के रोटियां सेक दे रही हूँ। सो आप लोग ब्लॉग में बने रहना। तो यहाँ पे मैंने दाल छोंक दी थी, चावल भी मैंने छोंक दिए थे और उसके बाद ना आटा ख़त्म हो रहा था, तो आटे को मैंने इसमें पलट दिया है और आटा छान के फटाफट से आटा गूंद के रोटियाँ सेक लूँगी मैं। और बस इस तरीके से ना मेरा पूरा दिन निकलता है। आप में से कई सारे लोग बोलते हैं कि दी आपके जो दिन है वो मतलब पूरा दिन कैसे कटता है, आपका मन कैसे लगता है। तो जब है ना मैं काम करती होती हूँ ना, तो मुझे काम में अपना दिन पता ही नहीं चलता और मेरा दिन कब निकल जाता है। तो आप भी ना अपने आप को ना जितना हो सके काम में बिजी रखा करिए। तो बस इसके बाद मैं सेक लूँगी रोटी, इसके बाद अभी मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं, वो कपड़े मुझे हाथ से ही निकालने हैं। और ये देखिए मैंने आटा भी गूंद के रोटियाँ भी सेकनी स्टार्ट कर दी। शौर्य को और परी को मैंने खाना खिलाने के लिए बिठा दिया है और शौर्य परी के चाचा ने भी खाना खा लिया है। मम्मी अब दुकान से आएंगी तो वो भी खाना खा लेंगी। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और जो लोग मेरे व्लॉग को लाइक करना भूल जाते हैं सो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि व्लॉग को लाइक ज़रूर किया करिए। आपके एक लाइक करने से मेरा तो कुछ मतलब मुझे ज़्यादा सपोर्ट नहीं होगा, लेकिन मुझे अच्छा लगता है आप लोग कि आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आते हैं। तो यहाँ पे रोटी भी हमारी बन चुकी है, ये देखिए मैं अपने लिए लगा रही हूँ खाना, तो आप लोग भी फटाफट से आ जाइए। दाल और साथ ही साथ मैं अपने लिए थोड़ी सी मिर्ची रखूंगी, थोड़ा सा चावल, और रात को मैंने कटहल कल मैंने दोपहर में कटहल की सब्जी बनाई थी ना, तो वो कटहल की सब्जी और ये मिर्ची देख रहा हूँ, देखने में जितनी अच्छी लग रही है ना खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है। और जिन लोगों को चटपटी पसंद होती है, चटपटा मतलब खाना पसंद होता है ना, उनके लिए तो मिर्ची बहुत अच्छी है, थोड़ी चटपटी थोड़ी सी मीठी, और बस थोड़े से चावल रख लूँगी। तो आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मेरे जो व्लॉग्स होते हैं वो हमेशा घर से रिलेटेड होते हैं, कई लोगों को पसंद आते हैं, कई लोगों को पसंद नहीं आते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। जो लोग देखो हाउसवाइफ होती हैं वो तो ज़्यादातर घर के ही व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। देखो मैं घर में ज़्यादातर रहती हूँ, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, और हाउसवाइफ अगर घर के काम ना करे तो मेरे ख्याल से तो बहुत सारे काम कभी होंगे ही नहीं। तो मैं तो यही ब्लॉग शेयर कर सकती हूँ, तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए।